राम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना कि आप कोरोना वायरस के इस गंभीर संकट से बाहर निकले हैं। हाँ जी, तो जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। बताइए, आप इस सारे संकट से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था। मैं आईटी सेक्टर के एम्प्लॉई हूँ। काम के वजह से दुबई गया था मैं मीटिंग्स के लिए। वहाँ पे जाने अनजाने ऐसे हो गया था, वापस आते ही फीवर वो सब चालू हो गए थे जी। तो 5-6 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का टेस्ट की और वो था पॉजिटिव आ गया था। तब गांधी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में, वहाँ पे एडमिट किए थे मुझे। और उसके बाद 14 दिन के बाद ठीक हो गया था मैं और डिस्चार्ज हो गया था। तो थोड़ा डरावना था ये सब। यानी जब आपको संक्रमण का पता चला, हाँ और ये उसके पहले पता तो होगा कि ये वायरस बहुत भयंकर है और तकलीफ कर हाँ रहा है, तो हाँ जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या एकदम से इमीडिएट क्या रिस्पॉन्स था आपका? पहले तो बहुत डर गया था। पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया, ऐसा कैसे हुआ था। क्योंकि इंडिया में किसी को, 2-3 लोगों को आया था तब, तो कुछ नहीं पता था उसके बारे में। हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे मुझे, क्वारंटीन में रखे थे, तब तो पहले 2-3 दिन तो पूरा ऐसे ही चला गया था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस जो है ना, वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। हर दिन मुझे कॉल करके मुझे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे बात करते रहते थे। दिन में 2-3 बार डॉक्टर बात करते थे, नर्स भी बात करते थे। तो पहले जब डर था, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ, इतने अच्छे लोगों के साथ हूँ, वो कुछ उनको पता है क्या करना है, एंड आई विल गेट बेटर, ऐसे ही लगा था। परिवार के लोगों की मनस्थिति क्या थी? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे, ज़्यादा अटेंशन वो सब था। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किए थे, सबका नेगेटिव आ गया था। वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और सबके लिए जो हम मेरे आसपास थे। उसके बाद तो हर दिन इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, डॉक्टर्स हमसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे परिवार को भी। आपने स्वयं ने क्या क्या सावधानियां रखी? आपने परिवार की क्या सावधानियां रखी? परिवार के लिए तो पहले उसके बारे में जब पता चला, तब तो मैं क्वारंटीन भी था। लेकिन क्वारंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताया थे कि और 14 दिन घर पे ही रहना है और अपने रूम में रहना, और सेल्फ और हाउस क्वारंटीन रखने के लिए बोले थे। तो आने के बाद भी मैं अपने घर में ही हूँ, मेरे रूम में ही रहता हूँ ज़्यादातर, मास्क रख के ही रहता हूँ दिन भर। जो जब भी बाहर खाने के लिए कुछ होगा, हैंड वॉशिंग, वो सब इम्पोर्टेंट है। चलिए राम, आप स्वस्थ होकर के आए हैं। आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक लेकिन यू। मैं चाहूँगा कि आपका ये अनुभव, आप तो आईटी प्रोफेशन में हैं, तो ऑडियो बना करके लोगों को शेयर कीजिए, बहुत सोशल मीडिया में वायरल कीजिए। तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे, एट द सेम टाइम केयर करने से कैसे बच सकते हैं वो भी हाँ बड़े आराम से लोगों तक पहुँच जाएगा। हाँ जी, ये ऐसा है कि बाहर आते देख रहा हूँ सब क्वारंटीन मतलब एक जेल में जाने के जैसे जो सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। सबको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्वारंटीन उनके लिए है, उनके परिवार के लिए ही है। तो उसके बारे में ज़्यादातर लोग को बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाओ, क्वारंटीन मतलब डरना मत, होम क्वारंटीन भी मतलब वो कुछ स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। चलिए राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।